हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी पे। आज हम लोग क्लास 8 के साइंस का चैप्टर 3 कोल एंड पेट्रोलियम, इस चैप्टर को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वी यूज वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर एंड सम हैव बीन मेड बाई ह्यूमन एफर्ट्स। देखिए, हम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए कई सारे मटेरियल्स का यूज करते हैं, जिसमें से कुछ हमें नेचर से ही मिल जाता है और कुछ हमें ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा मिलता है। तो एक एक्टिविटी 3.1 है, इसको देखिए। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैनमेड। आपको इसमें नेचुरल और मैनमेड दोनों तरह के रिसोर्सेज का एक लिस्ट बनाना है। जैसे नेचुरल रिसोर्स में बात करें तो सॉइल, सॉइल हमें नेचुरल नेचर से मिलता है, जबकि पेन की बात करें तो पेन हमें मैनमेड तरीके से मिलता है। तो ऐसे करके इस लिस्ट को पूरा बनाना है। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेस में क्या क्या आ गया। वाटर, क्लाउड, एनिमल्स, प्लांट्स, माउंटेन्स, ये सभी जो है नेचुरल में आ गए। मैनमेड में बात करें तो पेन, ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, कार, क्लोथ्स, ये सभी मैनमेड है जिनको ह्यूमन बींग बनाता है। चलिए, डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर एंड सॉइल एंड मिनरल्स। तो अभी आपने देखा ही कि ये सभी इसमें हमने इंक्लूड किया है, किसमें, नेचुरल वाले में। सिंस ऑल दिज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ये हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है, तो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इसलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। तो अब आप नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में समझ चुके होंगे। अभी क्वेश्चन है कि कैन वी यूज ऑल आवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर। क्या हमें हमेशा अपने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ इसमें नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जो एक समय के साथ समाप्त हो जाएंगे। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या ये सभी एयर है या वाटर है या सॉइल है, ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा समाप्त हो सकता है क्या, एग्जॉस्ट हो सकता है? तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास सेवन में आपने वाटर के बारे में तो पढ़ लिया है। इज वाटर अ लिमिटलेस रिसोर्स? हाँ, वाटर क्या एक लिमिटलेस रिसोर्स है, तो आप इससे समझते हैं। आगे बात करते हैं। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेस इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू टू काइंड्स। देखिए, ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, इन नेचुरल रिसोर्सेज को ना दो क्लासेज में इसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, देखिए, फर्स्ट है इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, हाँ, और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन एग्जॉस्टिबल के बारे में पहले देखते हैं। तो दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये नेचर में तो अवेलेबल है, लेकिन कितना है, तो इसका अनलिमिटेड क्वांटिटी है जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। आपको ये जितने भी रिसोर्स जो होंगे इस ग्रुप में, वो ह्यूमन एक्टिविटी से कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। जैसे सनलाइट, एयर, तो सनलाइट कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से कभी एंड नहीं हो सकता है। वैसे ही अगर एयर की बात करें तो एयर भी जो है ह्यूमन एक्टिविटी से कभी भी ये एग्जॉस्ट नहीं करेगा। अब दूसरा जो टाइप है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस, इसके बारे में अगर बात करें तो द अमाउंट ऑफ दिज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। याद रखिएगा, इनका अमाउंट जो है वो लिमिटेड है, ज़्यादा उतना क्वांटिटी नहीं है कि हम इसे लंबे समय तक यूज कर पाए। तो दिज कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज। तो आप समझ गए होंगे कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा ये एग्जॉस्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ दिज रिसोर्सेस आर क्या क्या है, देखिए, जैसे फॉरेस्ट क्या कितने भी बड़े एरिया में हो, एक समय के बाद ये समाप्त हो जाना है। वाइल्ड लाइफ, हाँ, ये अभी आप समझते हैं कि ये भी एक समय के साथ में ये भी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, हाँ, कोल भी है या पेट्रोलियम भी है, तो ये भी समय के साथ में एंड हो जाएगा। नेचुरल गैस, ये सभी जो है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप है, एक है इनएग्जॉस्टिबल और दूसरा है एग्जॉस्टिबल। दोनों को याद कर लीजिए। अब आगे चलते हैं एक्टिविटी 3.2 की तरफ। चलिए, इस एक्टिविटी में क्या है, देखिए, एक ग्रुप एक्टिविटी है। इसमें बता रहा है कि टेक सम कंटेनर्स, कुछ कंटेनर्स ले लीजिए, हाँ, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज, इसमें से किसी से भी उसको अच्छे तरीके से भर दीजिए। एंड डिवाइड स्टूडेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 7 ईच। आप ना 7-7 का ग्रुप में स्टूडेंट्स को ले लीजिए और हर एक ग्रुप को फर्दर डिवाइड इच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स। उनको फिर से 3 अलग अलग ग्रुप में बनाइए, जिसमें 1 एक ग्रुप, उस ग्रुप के अंदर पहला ग्रुप सब ग्रुप में 1 होगा, दूसरे में 2, तीसरे में 4 हो जाएंगे स्टूडेंट्स।
लेवल डैमेज जो जिसमें एक ग्रुप में एक स्टूडेंट को आपने रखा है उसको फर्स्ट जनरेशन, दूसरे को सेकेंड जनरेशन रखिए और तीसरे को थर्ड जनरेशन आप एज्यूम कीजिए। चलिए अभी एक्टिविटी क्या है वो समझिए। दिस सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। आप समझ सकते हैं कि हर एक जनरेशन के साथ में जो पॉपुलेशन है, नंबर ऑफ पर्सन है, वो बढ़ते जा रहा है। तो पुट वन फुल कंटेनर्स फॉर इच ग्रुप ऑन अ टेबल, हर एक ग्रुप के लिए आप एक टेबल पे डाल दीजिए उस कंटेनर को। एंड आस्क द कंज्यूमर्स, जो भी कंज्यूमर्स है ना उनको, जो फर्स्ट जनरेशन वाले पहले, द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम इच ग्रुप टू कंज्यूम ई टेबल्स फ्रॉम द कंटेनर्स ऑफ देयर ग्रुप। तो हर एक ग्रुप से फर्स्ट जनरेशन वाले नंबर्स को बुलाना है और उनको ई टेबल्स लेने के लिए कहना है। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स फ्रॉम इच ग्रुप टू डू द सेम, उसके बाद में सेकेंड ग्रुप को करना है, सिमिलरली थर्ड ग्रुप को करना है। Ask students to observe carefully the availability of the eatables in each container. If something is left in the containers, ask third generation from each group to consume. अभी दूसरे generation के बाद में third generation को भी बोलना है, अगर उसके पास, अगर उनके group के पास में कुछ eatables अगर बचा होगा उनके हिस्से में तो उन्हें मिलेगा। Now finally observe whether all the consumers of the third generation got the eatables or not. और अब बाद में आप देखिए कि third generation में जिसमें कि आपने चार चार students को रखा था, सबको मिल पाता है या नहीं मिल पाता है। Also observe if anything is still left in any of the containers. और देखिए कि किसी में कुछ बचा है क्या। तो इस एक्टिविटी से हम क्या पाएंगे वो देखिए। Assume that the eatables in the container represent the total availability of the inexhaustible natural resources. अब आपने जो इस कंटेनर में रखा था eatables, अब आप समझिए कि वो कोई नेचुरल रिसोर्स था, जैसे कि कोल था या पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है ऐसे। इच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न, और अलग अलग ग्रुप का अलग अलग कंजम्पशन का पैटर्न होगा। कोई ज्यादा भी ले सकता है, हाँ कुछ लोगों को एक के जगह पर तीन ले लेंगे। आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, हाँ बता रहा है ना कि कोई ज्यादा लालची होगा तो ज्यादा भी ले सकता है, ज्यादा यूज कर सकता है। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन सम ग्रुप्स वेयर कंसर्नड अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम। कुछ ऐसा भी ग्रुप आपको उसमें मिल सकता है जो अगले जनरेशन के लिए कुछ छोड़ दे, उसमें लेफ्ट समथिंग फॉर देम, उनके लिए भी छोड़ सकता है। तो क्या है समझिए, इन दिस चैप्टर we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. These were formed from dead remains of living organisms, jinko fossils bolte hain, ye living organisms ke dead remains se bana hai. So these are known as fossil fuels. Fossil fuels ka definition aap yaad kar lijiye, kya ho gaya ki these were formed from the dead remains of the living organisms fossils, so these are known as fossil fuels. सबसे पहले बात करते हैं कोल के बारे में। कोल, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, आपने सुना होगा कोल क्या होता है, कोल और इसके बारे में सुना भी होगा। इट इज एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, दिख रहा है ना, ये स्टोन की तरह भी होता है और ब्लैक कलर का होता है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, हाँ इसको खाना बनाने के लिए भी यूज किया जाता रहा है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजिन्स, पहले ना इसका यूज रेलवे इंजिन्स वगैरह में करते थे, तो रेलवे इंजिन्स में ये स्टीम प्रोड्यूस करता था और उसी स्टीम से वो इंजन चलती थी, टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजिन। इट इज ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, हाँ कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट में भी किया जाता है, वहाँ पे फर्नेस में इसे बर्न किया जाता है और फिर बॉयलर में स्टीम प्रोड्यूस होता है। तो ये कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट के अंदर में भी है। तो कोल इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूअल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, अलग अलग इंडस्ट्रीज में भी कोल का यूज किया जाता है। तो हम लोग अब स्टोरी ऑफ कोल देखते हैं कि कोल कैसे बना था, क्या है इसकी हिस्ट्री, वेयर डू वी गेट कोल फ्रॉम एंड हाउ इट इज इट फॉर्म्ड। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट 300 मिलियन ईयर एगो, कितने साल पहले, 300 मिलियन ईयर्स के पहले की बात है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, अर्थ के पास ना काफी डेंस फॉरेस्ट था इन लो लाइंग वेटलैंड एरिया, जो निचले जो दलदली वाला जो एरिया होता है ना वहां पे, आप देख रहे हैं ना फिगर में इसमें। तो ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग, कुछ नेचुरल प्रोसेस हुआ जैसे कि फ्लडिंग आ गया उस एरिया में, एंड दिस फॉरेस्ट गॉट ब्यूरीड अंडर द सॉइल। आप दूसरे वाले फिगर में देखिए कि वो फॉरेस्ट कहां चले गए, सॉइल के अंदर चले गए। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, दे वेयर कंप्रेस्ड,
और ये जो सॉइल का डिपोजिशन बढ़ते गया तो वे कंप्रेस्ड होते गए एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर। जैसे जैसे वो नीचे चलते जाते चले गया तो कंप्रेशन के साथ साथ टेम्परेचर दोनों बढ़ा। तो क्या हुआ, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और उसी के कारण ये जो डेड प्लांट्स जो थे स्लोली कोल में कन्वर्ट हो गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, याद रखिएगा कोल में क्या है, कार्बन केवल होता है। तो द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन का भी आपने डेफिनेशन देख लिया अभी, क्या क्या है, तो एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन एंड द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन, इसको याद कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, वेजिटेशन से बना था तो कोल इज ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल। अ कोल माइन इज शोन इन द फिगर 3.2। चलिए नीचे का फिगर भी देख लेते हैं। ये देखिए इस फिगर में ये जो दिखा रहा है ना, ये कोल माइन है और इस कोल माइन में ना ये माइनिंग किया काम किया जा रहा है, वहां से कोल निकाला जा रहा है। व्हेन हीटेड इन एयर कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कार्बन है और ऑक्सीजन के साथ ये जब जलेगा ना रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तो कोल इज प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स। कोल को इंडस्ट्री में कुछ प्रोसेसेस के द्वारा इसको बेसिकली तीन फॉर्म में बनाया जाता है, याद रखिएगा, एक सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म। सॉलिड फॉर्म में आपका होता है कोक, और इसका जो लिक्विड फॉर्म है उसे बोलते हैं हम लोग कोल टार, याद रखिएगा। और तीसरा जो होता है, जो गैसियस फॉर्म है उसे बोलते हैं कोल गैस। अब चलिए एक एक करके तीनों के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले है कोक। कोक के बारे में बात करें तो इट इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये भी कोल की तरह ही दिखता है, ब्लैक्स होता है और टफ होता है। इट इज एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये काफी प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, याद रखिएगा। कोक इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। इसका यूज जो है ना कोक का, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी है, साथ ही साथ अलग अलग मेटल्स जो होते हैं ना उनके एक्सट्रैक्शन में भी है। एक्सट्रैक्शन का मतलब समझिए, कोई भी मेटल जो है मिनरल फॉर्म में होता है, और मिनरल के रूप में ओर के फॉर्म में निकलता है, याद रखिएगा ओर। और इस ओर से उस मेटल को निकालने को ही हम लोग एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे। चलिए अब बात करते हैं कोल टार के बारे में, दूसरा जो लिक्विड फॉर्म का होता है। इट इज अ ब्लैक थीक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। इसका स्मेल भी थोड़ा अच्छा नहीं है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है, अबाउट 200 सब्सटेंसेस। इसमें कई सारे सब्सटेंसेस मिले हुए हैं, 200 सब्सटेंसेस हैं। तो प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम कोल टार आर यूज्ड एज, अब देखिए कोल टार से जो जो प्रोडक्ट बनता है वो देखिए, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस यूज इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री। अलग अलग जो प्रोडक्ट हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, लाइक सिंथेटिक डाइज, जितना भी जो सिंथेटिक कलर आता है ना वो सभी कोल्टार से ही बनता है। अलग अलग ड्रग्स बनाने में, जो दवाएं होती हैं उनको बनाने में, एक्सप्लोसिव्स के निर्माण में भी इसका यूज है, परफ्यूम्स बनाया जाता है, प्लास्टिक्स बनाया जाता है, पेंट्स बनाने में इनका यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक मटेरियल्स भी बनते हैं इससे, रूफिंग मटेरियल बनाया जाता है, रूफ को टॉप को वाटरप्रूफ बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इट इज इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन बॉल्स, याद रखिएगा जो नेफ्थलीन बॉल्स होता है, आपने देखा होगा इस तरह का बॉल, यूज टू रिपेल मॉथ्स। आप ये कहाँ पे हम डालते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना उन्हें भगाने के लिए, ये जो यहाँ पे इसको कई बार क्या बोलते हैं, ये फिनाइल की गोली ऐसे बोला जाता है, तो ये सभी बॉल्स का यूज किया जाता है। तो ये कहाँ से मिलता है, ये भी हमें कोल्टार से ही मिलता है, याद रखिएगा। तो पहले कोल्टार का यूज रोड बनाने में भी किया जाता था, अभी देखिए दिस डेज बिटुमिन, नाम याद रखिएगा, बिटुमिन, ये जो है अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ कोल्टार फॉर मेटलिंग द रोड्स। मतलब रोड बनाने में अभी कोल्टार के जगह पे किसका यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, बिटुमिन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं तीसरा जो फॉर्म था, कोल गैस। तो कोल गैस इज ऑब्टेंड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। अब देखिए कोल से ही कोक बनता है, उसका प्योर फॉर्म होता है कोक, और इस प्रोसेस में जो गैस बनाना उस गैस को बोला जाता है कोल गैस। अब देखिए इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जो कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स होते हैं ना उसके नजदीक में अगर कोई इंडस्ट्री है तो वहां पे फ्यूल के रूप में इस कोल गैस का ही यूज कर लिया जाता है। एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, कोल गैस वॉज यूज फॉर स्ट्रीट लाइटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन लंदन इन 1810 ईयर्स एंड इन न्यूयॉर्क
अराउंड 1820, उस समय लंदन और न्यूयॉर्क में ना इसका यूज किया गया था स्ट्रीट लाइटिंग के लिए। नाउअडेज इट इज यूज एज अ सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। अभी जो है ना इसका लाइट का कहीं पे यूज नहीं किया जाता है, हीट हीट के रूप में यूज किया जाता है, तब जाकर के ये जितने भी इंडस्ट्रीज है वहां पे ये काम में आता है। अब देखिए बात करते हैं दूसरा कोल के बाद में, अभी हम बात करेंगे पेट्रोलियम के बारे में। यू नो दैट पेट्रोल इज यूज एज अ फ्यूएल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स स्कूटर एंड कार्स, इसमें आपने देखा ना पेट्रोल का यूज किया जाता है चलाने के लिए। हैवी मोटर व्हीकल्स अगर है जैसे कि ट्रक ट्रैक्टर्स, ये सभी जो है किस पे चलते हैं, डीजल से चलते हैं। तो पेट्रोल एंड डीजल जो है ये दोनों आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। तो पेट्रोल हो या डीजल हो ये सभी हमें कहां से मिलता है, तो वो पेट्रोलियम से मिलता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम द पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक एंड ओलियम, ओलियम मतलब ऑयल, जिसका एज इट इज जिसका मतलब क्या होगा कि ये जो रॉक से निकला हुआ ऑयल है एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ। अब अर्थ के अंदर में ना रॉक्स के इन बिटवीन इसको माइनिंग किया जाता है, इसलिए इसका नाम ही है पेट्रोलियम। डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो चलिए देखते हैं कैसे पेट्रोलियम फॉर्म होता है। तो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। अब देखिए अभी लो लाइंग एरिया में वो जो फॉरेस्ट और डेड रिमेंस थे वो हमने पढ़ा कोल की कहा की स्टोरी में। अब देखिए ये जो था सी में जो ऑर्गेनिजम्स थे उनसे पेट्रोलियम बना है। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड देयर बॉडीज सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द सी। अब उनका उनके डेड होने के बाद में उनका बॉटम उनका जो बॉडीज था ना वो सी के बॉटम में बैठ गया, सेटल डाउन हो गया एंड गॉट कवर्ड विथ लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले। और उसके ऊपर किसका लेयर आ गया, देखिए सैंड और क्ले का। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स एब्सेंस ऑफ एयर, अब देखिए उसके ऊपर सैंड और क्ले का लेयर है, वहां पे एयर भी नहीं है एब्सेंस ऑफ एयर में, मिलियंस ऑफ ईयर वहां पे दबे रहे एंड हाई टेम्परेचर वहां भी रहा और हाई प्रेशर दोनों, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर एब्सेंस ऑफ एयर, इन सब के कारण क्या हुआ फाइनली दे ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इंटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके कारण वो किसमें कन्वर्ट हो गए, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो गए। तो लुक एट द फिगर 3.4, इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो चलिए अभी आप देख लीजिए 3.4, ये 3.4 है, इसमें आपको नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये देखिए इस लेयर के इस रॉक के अंदर एक माइनिंग किया गया, वेल बनाया गया ऐसा, इसके टॉप में यहां पे गैस है जबकि उसके नीचे क्या है ऑयल है। तो आपको दिख रहा होगा कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स कैसे होते हैं। चलिए इट शोज द डिपॉजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर। वाटर के लेयर से भी ये ऊपर होता है इसका लेयर। तो व्हाई इज इट सो, ऐसा क्यों है, रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर। आपको पता होगा कि इसमें जो है यहां पे देखिए इसमें वाटर का लेयर नीचे है, यहां पे वाटर है और ऑयल इससे जस्ट ऊपर में इस एरिया में है। तो वाटर और ऑयल में सबसे जो हल्का कौन सा होता है, ऑयल होता है, इससे लाइटर होता है और वाटर का हेवियर है, तो ऑयल जो है इसके टॉप पे आ जाता है और ऑयल से भी लाइटर कौन है, गैस है, तो ये इसके टॉप में आ गया। तो इस तरीके से उसका अरेंजमेंट है। तो रिकॉल दैट ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन द वाटर एंड डू नॉट मिक्स विथ इट, इस कारण से ये मिक्स नहीं हो पाते हैं। इसको भी पढ़ लेते हैं। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल, ये जो तेल का जो कुआं था ना, वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसल्वेनिया यूएसए इन 1859। एट ईयर्स लेटर इन 1867 में क्या हुआ, ऑयल वॉज स्ट्रक एट मकुम इन आसाम इन इंडिया। ऑयल इज फाउंड इन, कहाँ पे है इंडिया में वो देखिए, आसाम में पाया जाता है, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन द रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, ये इंडिया में यहाँ पे पाया जाता है, याद रखिएगा आसाम गुजरात मुंबई हाई और गोदावरी और कृष्णा रिवर बेसिन। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, अभी पेट्रोलियम तो हमें मिल गया, उस पेट्रोलियम से हमने पढ़ा ना पहले कि डीजल पेट्रोल हमें मिलता है, तो ये सब कैसे रिफाइन करके बनाया जाता है वो देखिए। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयली लिक्विड, वो किस तरीके का होता है, डार्क और ऑयली लिक्विड है, इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, इसमें भी एक गंध आती है जो अच्छी नहीं लगती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, देखिए इसमें क्या क्या है, पेट्रोलियम गैस भी मिला होता है, पेट्रोल डीजल लुब्रिकेटिंग ऑयल पैराफिन वैक्स
एक्सेट्रा, ये सभी जो है ना, ये सारा का मिक्सचर है पेट्रोलियम। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। अब आप समझ गए होंगे रिफाइनिंग क्या है। इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो हमने ऊपर देखा, उसको इससे इससे इसके फ्रैक्शंस जो है इससे पेट्रोलियम से निकालने के प्रोसेस को ही हम लोग, सेपरेट करने के प्रोसेस को ही रिफाइनिंग बोला जाता है। इट इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये कहाँ पे किया जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या, देखिए ये देखिए रिफाइनरी का फिगर 3.5 में ये दिखाया हुआ है। चलिए आगे है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज आर गिवन इन टेबल 3.1। अब टेबल 3.1 को जरा देखिए, ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है पेट्रोलियम के बताया हुआ है। जैसे पहला देखिए पेट्रोलियम गैस, हाँ, जिसको लिक्विड फॉर्म में हम लोग क्या बोलते हैं, एलपीजी, हाँ, यूज करते हैं हम लोग घरों में भी, तो फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। पेट्रोल ये कहाँ पे यूज है, ये देखिए मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सब जगहों पर इसका यूज किया जाता है। थर्ड है केरोसिन, केरोसिन का देखिए फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट, इसका यूज है वहां पे। डीजल, तो डीजल है फ्यूल फॉर हेवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, इन सभी जगहों पे डीजल का यूज, ये सभी आप समझते हैं। लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करें तो लुब्रिकेशन में इसका यूज किया जाता है। लुब्रिकेशन कहीं पे भी, जैसे बियरिंग्स वगैरह में जो लुब्रिकेट जो डाला जाता है ना, तो उसके लिए वहां पे लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज किया जाता है। पैराफिन वैक्स, हाँ, ये ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वेसलीन, ये सभी जो है पैराफिन वैक्स से बनाया जाता है। बिटुमेन अभी हमने पहले भी देखा रोड सर्फेसिंग में, और साथ ही साथ इसका पेंट भी बनता है। हा? तो ये सभी जो साथ है ना, ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम है। आप सभी इसका जो है नेम जो है याद कर लीजिएगा, रन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं नेचुरल गैस का। थर्ड है, हमने कोल देखा, पेट्रोलियम देखा, और अभी देखने जा रहे हैं हम लोग नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। देखिए ये जो नेचुरल गैस होता है ये काफी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल इसको माना जाता है, क्योंकि काफी ये आसान है, इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स। पाइप से हम दूसरे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके तुलना में इसको जल्दी से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको कैसे स्टोर किया जा सकता है हाई प्रेशर में, तो इसको बोला जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको कि सीएनजी, हम लोग जानते हैं ना सीएनजी का बहुत सारा भी आजकल यूज चल रहा है। तो सीएनजी इज यूज फॉर पावर जनरेशन। कहां पे इसका यूज किया जाता है? पावर जनरेशन के लिए। इट इज नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। इसका कहां पे यूज करते हैं बताइए? ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में इसका फ्यूल के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे लेस पॉल्यूटिंग है, इससे पॉल्यूशन का जो कंट्रोल है काफी अच्छा हो जाता है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल, सीएनजी काफी क्लीनर फ्यूल है एज कंपेयर टू पेट्रोल, डीजल, इन सब की तुलना में। तो द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स फॉर एंड फैक्ट्रीज। इसको डायरेक्टली आप ना बर्न कर सकते हैं इन होम्स एंड फैक्ट्रीज, वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स। पाइप से डायरेक्ट अगर आपके होम्स तक आता है, वहां से डायरेक्टली ये बर्न हो सकता है। सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा गुजरात, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। कई जगहों पर आजकल सीएनजी का जो लाइन है, सीएनजी जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है या प्रेशराइज्ड नेचुरल गैस, पीएनजी लाइन से बोलते हैं, तो वो सभी का नेटवर्क पूरे इंडिया में आजकल बनाया जा रहा है। तो नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज एज ए स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ए नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस का जो है यूज है मैन्युफैक्चर में है कई सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स के, तो ये इसका जो है नेचुरल गैस का यूज किया जाता है। इंडिया हैज वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस। इंडिया के पास में ना इसका रिजर्व बहुत ज्यादा है। एंड इन आवर कंट्री नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन, कहां पे मिला है बताइए? त्रिपुरा में, याद रखिएगा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में इसके लार्ज रिजर्व्स इंडिया में मिले हैं। चलिए क्वेश्चन बुझो की तरफ से है कि कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स। क्या लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है क्या? शायद संभव नहीं है, क्योंकि उतना हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर डेवलप नहीं किया जा सकता है। तो पहले इसको क्या आंसर देती है वो देखिए। नो, देयर इज अ फॉर्मेशन, देयर फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड कंडीशन फॉर फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्रिएटेड इन द लेबोरेटरी। उसका जो कंडीशन है बनाने का और जो टाइम है वो लेबोरेटरी में हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए
अब बात करते हैं सम नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इसके ऊपर में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर द सम नेचुरल रिसोर्सेस आर एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्टिबल है कौन कौन सा, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सभी एग्जॉस्टिबल है। तो यू नो दैट द कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स, ये कोल और पेट्रोलियम क्या होता है बताइए, ये भी फॉसिल फ्यूल्स है। तो इट रिक्वायर द डेड ऑर्गेनिजम्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू दिस फ्यूल्स। तो डेड ऑर्गेनिज्म से कई मिलियन साल लग जाते हैं इसको बनने में। तो ऑन द अदर हैंड द नोन रिजर्व्स फॉर दिस विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, जिनका जो भी हम रिजर्व इनके आप जानते हैं अभी दुनिया में अवेलेबल है, तो उसका रिजर्व ज्यादा से ज्यादा कुछ सौ सालों तक ही हमारा टिक पाएगा, रह पाएगा। तो मोर ओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज, और साथ ही साथ अगर इन फ्यूल्स को जब बर्न करके हम लोग जब यूज कर रहे होते हैं तो ये भी बहुत बड़ा कॉज है किसका, एयर पॉल्यूशन का। तो देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी, तो ये बता रहा है कि जब बहुत ज्यादा आवश्यक हो तभी इन फ्यूल्स का आप यूज कीजिए। दिस विल रिजल्ट इन बेटर एनवायरमेंट, स्मॉलर रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और इसे क्या होगा हमें एक अच्छा एनवायरमेंट भी मिलेगा, साथ ही साथ एक बहुत ग्लोबल वार्मिंग का रिस्क भी कम होगा, और दूसरा जो है इसका जो अवेलेबिलिटी है जो हमारे नेक्स्ट जनरेशन के पास में पहुंच जाएगा और लंबे समय तक ये टिका रहेगा। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन पीसीआरए एडवाइसेस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल व्हाइल ड्राइविंग, कुछ टिप्स उसने दिए हैं कैसे सेव कर सकते हैं। पहला देखिए, ड्राइव एट अ कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, ज्यादा हाई स्पीड में भी अगर आप अपने व्हीकल्स को चलाते हैं तो उसमें ज्यादा कंजम्पशन होता है, तो कॉन्स्टेंट स्पीड पे एक स्थिर स्पीड और एक मध्यम स्पीड से चलाइए अपने व्हीकल्स को। स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स पे स्विच ऑफ कर देना चाहिए इंजन को, और एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और जिन जगहों पे आप वेट कर रहे होते हैं तो उस समय अपने व्हीकल को स्विच ऑफ कर दीजिए। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, आपके टायर में अगर प्रेशर ज्यादा है तो भी उसका कंजम्पशन कम होता है। एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, और अपने व्हीकल का मेंटेनेंस भी रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। तो ये कंडीशंस है जिसके द्वारा हम इसको सेव कर सकते हैं। अब चलिए इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज ए फ्यूल। सीएनजी और एलपीजी को अगर आप फ्यूल की तरह यूज करते हैं तो इसके आपको एडवांटेज को बताना है कि क्या इसे एडवांटेज है। तो आपने हमने चैप्टर में देखा भी था कि सबसे पहला तो है कि ये सीएनजी और पीएनजी जो है, एलपीजी जो है वो स्मोकलेस फ्लेम देता है, यानी इसमें कोई गैस जो है, पॉल्यूटेंट जो है वो नहीं निकलता है। तो लिख सकते हैं कि दे बर्न विथ अ स्मोकलेस फ्लेम एंड डज नॉट कॉज एनी पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। हाँ, दूसरा क्या है कि कोल को अगर आप बर्न करेंगे तो उसमें एस निकलेगा, लेकिन इसमें कोई भी एस नहीं निकलेगा, तो दे डू नॉट लीव एनी एस ऑन बर्निंग, ये भी लिख सकते हैं। साथ ही इसमें लिख सकते हैं कि इनका जो हैंडलिंग है, हाँ हमने बोला ना कि कंप्रेस्ड फॉर्म में पाइप से इसका बल्क में इनके वॉल्यूम को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो इनका हैंडलिंग और इनका स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन काफी सिंपल है। तो दीज आर द एडवांटेजेज, तो दो तीन पॉइंट्स आप इसमें लिख दीजिए। दूसरा है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूज्ड फॉर सर्फेसिंग ऑफ रोड्स, रोड के सर्फेसिंग में जिसका यूज करते हैं, तो याद कीजिए बिटुमेन, हाँ हमने पहले इस चैप्टर में देखा था। थर्ड क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। हमने अभी देखा भी था डेड वेजिटेशन के द्वारा कोल कैसे बनता है, हाँ तो इसमें लिख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो ट्रीज प्लांट्स फर्न्स जो भी थे फॉरेस्ट थे गेट ब्यूरिड बिलो द रॉक सॉयल एंड सैंड, और इसमें क्या हुआ फिर नेचुरल ड्यू टू द नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग अर्थक्वेक इन सब के कारण से हो गए। एंड स्लोली एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वेर कंप्रेस्ड एंड दिस लेड टू द कंडीशंस ऑफ हाई प्रेशर एंड हाई हीट, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने के कारण ऐसा कंडीशन क्या हुआ कि इस कंडीशन में दे कन्वर्ट हो गए, दे कन्वर्टेड इन टू द फॉर्म ऑफ कोल। तो इस स्टोरी को आप उसमें लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हमने देखा भी था कि द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ दिस कार्बन कंपाउंड, इसको क्या बोलते थे हम लोग, कार्बोनाइजेशन बोलते थे, इसको लिख दीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, देखिए क्वेश्चन नंबर फोर बता रहा है फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश, तो इसमें क्या आएगा देखिए। तो फॉसिल फ्यूल्स में अभी हमने देखा, पहला क्या देखा इसमें आप लिख सकते हैं क्या था, कोल, दूसरा क्या हो गया पेट्रोलियम लिख सकते हैं, और तीसरा क्या हो गया
नेचुरल गैस लिख सकते हैं। तो ये सभी जो है आपका फॉसिल फ्यूल में आ गया। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। हाँ, पेट्रोलियम से उसके अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को अलग करने को क्या बोलते हैं, हमने अभी देखा ही है, याद कीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग लास्ट लीस्ट पॉल्यूशन पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज, व्हीकल के लिए लीस्ट पॉल्यूशन पॉल्यूटिंग फ्यूल कौन है, हमने याद कीजिए CNG। आगे बात करते हैं ट्रू फॉल्स के बारे में। पहला है फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी, ट्रू या फॉल्स बताइए। तो ये फॉल्स है। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल, CNG ज्यादा पॉल्यूटिंग है, ये भी फॉल्स हो गया। नेक्स्ट है कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, हमने पढ़ा भी था, ट्रू। कोल टार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, कोल टार अलग अलग सब्सटेंसेज का मिक्सचर है, अबाउट 300 सब्सटेंसेज उसमें बनते हैं। एंड केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, केरोसिन जो है ये फॉसिल फ्यूल नहीं, ये तो फॉल्स हो गया, वो भी फॉसिल फ्यूल के कैटेगरी में ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन व्हाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस, हमने देखा था फॉसिल फ्यूल्स एग्जॉस्टेबल क्यों है, क्योंकि इनके फॉर्मेशन में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं एंड दे आर लिमिटेड इन नेचर एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इजिली वंस कंज्यूम्ड, तो इसलिए इसे हम लोग एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेज ऑफ कोक, कोक के कैरेक्टरिस्टिक को बताना है। तो कोक के बारे में हमने बताया था ना कि ये जो है ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है, 98% के आसपास ये प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, एंड इट इज अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस, हमने बताया था। और इसका यूज में बात करें तो ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है, तो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन में इसका यूज किया जाता है, और वाटर गैस वगैरह जो है इसी से बनते हैं, कोक से बनता है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम के फॉर्मेशन के प्रोसेस को लिखना है। जैसे हमने कोल का बताया था वैसे हमने पेट्रोलियम का बताया था, आप इस वीडियो के उस हिस्से में जाकर के देख सकते हैं। और लास्ट है एक टेबल दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द टोटल पावर शॉर्टेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 टू 1997, सो द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ, आपको इसका ग्राफ बनाना है, प्लॉट शॉर्टेज परसेंटेज फॉर द ईयर ऑन द वाई एक्सिस एंड द ईयर ऑन द एक्स एक्सिस। तो आप जो ग्राफ बनाइएगा ना, तो उसमें इस तरीके से ग्राफ आप बना सकते हैं, एक वाई एक्सिस देना है और दूसरा एक एक्स एक्सिस देना है। तो वाई एक्सिस पे आप क्या डालेंगे, इस पे डालेंगे पावर शॉर्टेज, जो परसेंटेज में ये वाला जो वैल्यू है ना, ये सभी जो है आप यहाँ पे डाल दीजिए, और जो एक्स एक्सिस पे आप यहाँ पे क्या डालेंगे नीचे में, यहाँ पे आप ईयर डालिए, और इसको इस तरह से आप इस ग्राफ को बना सकते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका एंड हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये हमारे लिए भी हेल्पफुल होगा और हमारे वीडियोज आप तक पहुँचते रहेंगे। चलिए ओके, तब तक के लिए बाय।